गुड इवनिंग एवरीवन। तो अपन ने प्रश्नावली 5.3 के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो अपन कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हर दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान रहता है, चाहे दूसरे पद और तीसरे पद की बात हो जाए, चाहे तीसरे पद और चौथे पद की बात हो जाए, और वो अंतर को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, सभी में समान अंतर। ठीक है, तो आज 11वां क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग आपको दे रखा है, किसी अभी तक दे रखा था एनवा पद, अब बोल रहा है प्रथम एन पदों का योग, मतलब प्रथम एन पदों का योग अपन लिखते हैं एस एन से, और इसने किससे बता रखा है, 4n माइनस एन स्क्वायर से, 4n माइनस एन स्क्वायर से। ठीक है, ये किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इसने बता रखा है। अब बोल रहे हैं तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 होगा, मतलब प्रथम पहले पद का योग, तो वो पहला पद ही हो जाएगा। क्या है प्रथम दो पदों का योग, क्या है दूसरा पद, क्या है इसी प्रकार तीसरे, दसवें और nवे पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे, दसवें और एनवे पद ज्ञात करना है। अपन को एस वन ज्ञात करना है, अपन को एस टू ज्ञात करना है, अपन को ए टू ज्ञात करना है। एस वन ही आपका क्या होगा, ए, और क्या ज्ञात करना है अपन को, तीसरा पद ज्ञात करना है ए थ्री। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है, दसवां पद ज्ञात करना है और एनवा पद ज्ञात करना है, ये अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आसान है, तो एन बराबर एक रखने पर, n बराबर एक रखने पर क्या हो जाएगा आपका, एस वन इक्वल टू 4 इंटू एन की जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 में से एक गया तो 3, यही आपका पहला पद है। आपका पहला पद आ गया, एस वन क्या होगा, पहले पद का योग, एस टू क्या होगा, पहले दो पदों का योग, तो n बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर क्या आ गया आपका, एस टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दुनी 8 माइनस 2 दुनी 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये हो गया 4। तो दो पदों का योग क्या है, 4, मतलब A1 और A2 का योग कितना है, 4। ठीक है, क्योंकि A1 इक्वल टू A बराबर क्या है, 3, 3 है यहाँ निकाल लिए थे अपन, तो 3 प्लस A2 बराबर क्या हो गया, 4, तो A2 का मान आ गया 1, 4 में से 3 गए तो A2 का मान आ गया 1, यानी कि आपका दूसरा पद क्या है, 1, दूसरा पद क्या आ गया आपका, 1। तो दूसरा पद अगर 1 है और पहला पद आपका कितना है, 4 है, सॉरी 3 है। ठीक है, तो सार्व अंतर क्या हो जाएगा, अपन जानते हैं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर ही क्या होता है, सार्व अंतर, तो 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस के 2, ये आपका आ गया सार्व अंतर। ठीक है, अभी आपको जो जो निकालना है वो निकाल लो, आपके पास A2 और A1 का मान आ गया और आपके पास D का मान आ गया, अब जो जो निकालना है आप निकाल सकते हो ना। ये देखो सबसे पहले आपका निकालो A3, A3 क्या हो जाएगा, A3 क्या होता है, A+2D, A+N-1D होता है ना, तो A3 आपका हो गया A+2D, A का मान है 3 प्लस 2 और D का मान है माइनस के 2। ठीक है, 3 तो दुनी 4 माइनस के 4 और A3 आ गया आपका माइनस का 1। ऐसे भी देख सकते हो, 3 में से 2 गए तो 1, 1 में से 2 गए तो माइनस का 1। ठीक है, फिर वो आपके पास में A10 निकलवा रहा है, A10 क्या होगा, A+9D, एक कम होता है ना यहाँ, अपना पद होता है उससे एक कम, जैसे n का पद है तो n+n-1, तो A आपका है 3 प्लस 9 इंटू माइनस का 2 D की जगह, तो 9 दुनी माइनस के 18 में से प्लस के 3 गए तो माइनस के 15, ये आपका A10 आया, A3 आ गया। अब आपसे निकलवा रहा है An, n का पद क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ, An क्या होता है, A+N-1 इंटू डी, तो आपका एक का जगह 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह माइनस के 2। ठीक है, तो 3 माइनस के 2 को एन से गुणा किया तो माइनस के 2 एन और माइनस माइनस प्लस के 2,
तो ये हो गया 5 - 2n, ये हो गया आपका an। देखो दसवें क्वेश्चन में ऐसे ही दे रखा था an, n वहां पर 5 - 2n है या जो भी है, n के बदले में दे रखा था, तो ये an आ गया 5 - 2n। अब देख सकते हो आप a का मान 1 रखोगे तो पहला पद क्या आ जाएगा, 5 में से 2 गए तो 3, a का मान 2 रखोगे तो 5 - 2 = 4, 5 में से 4 गया तो 1, 1 ही है a2 का मान, ठीक है, a का मान 3 रखे तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, 5 - 3 = 6, 6 में से 5 गए तो माइनस का 1, ठीक है। अब a का मान 10 रखे तो a 10, 5 - 10 = 20, 20 में से 5 गए तो माइनस के 15, ठीक है, तो आपके पास n वा पद भी आ गया है। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सभी को क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरे साथ के साथ आप भी करते रहेंगे, कल संडे है, आप अच्छे से जितने भी मैंने प्रश्नावली 5.3, 5.2, 5.1 बढ़ाई है, आप पूरा एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 40 धन पूर्णांक, धन पूर्णांकों की संख्या कितनी है 40, जो 6 से विभाज्य है, इनका हम को क्या करना है, योग, ठीक है। 6 से विभाज्य धन पूर्णांक कितने होंगे, ये देखो 0 इधर है धन पूर्णांक, ये है इधर ऋण पूर्णांक, ठीक है। तो पहला 6 से विभाज्य कितना हो जाएगा 6, दूसरा कितना होगा 12, तीसरा कितना होगा 18, ऐसे ऐसे कितने कितने पूर्णांक लेने अपन को 40, ठीक है। तो a का मान कितना हो गया 6, d का मान कितना हो गया 12 - 6 = 6, 6 का गैप रहेगा, और n का मान कितना हो गया 40, तो अपन को निकालना है s 40, ठीक है। तो s n क्या होता है, n by 2a plus n minus 1 into d, ठीक है। तो s 40, तो 40 by 2a कितना है 6 plus n minus 1, 40 minus 1 into d कितना है 6, ठीक है। तो s 40 आपका क्या हो जाएगा, 40 में 2 का भाग लगा तो 20 into 2 चिकी 12 plus 39 को कितने से 40 में देख गया, तो 39 को कितने से गुणा करना है 6 से, तो 20 into 12 plus 6 54 5 हासिल 36 18 5 23 234, तो 20 into 234 और 10 244 246, ये आपका s 40 आ जाएगा, 40 ऐसे पदों का योग आ जाएगा जो 6 से विभाज्य है और धन पूर्णांक है, धन है ना, तो 0 2 चिकी 12 असिल 1 2 चुके 8 1 9 2 दुनी 4 4920, ये आपके आंसर होंगे, ठीक है। सबको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 12। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ऋण पूर्णांक होता तो -6 - 12 - 18, ठीक है, इसने बोला था धन पूर्णांक 13। क्वेश्चन नंबर 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, ठीक है। 8 के प्रथम 15 गुणज क्या होंगे, 8 × 1, 8 × 2, 8 × 3, ऐसे कितने 15, तो 8 हो गया, 8 × 2 कितना हो गया 16, गुणज का मतलब पढ़ा ही हो गया एक तरह से, तीसरा हो गया 24, चौथा हो गया 32, ऐसे डॉट 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 कितने गुणज 15 गुणज, और इनका योग ज्ञात करना है। तो a का मान हो गया 8, b का मान कितना हो गया 16 - 8 = 8, और n का मान कितना हो गया 15, वही s n का मान होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d, ठीक है, 2a plus n minus 1 into d, तो n by 2 n कितना है आपका s 15, ठीक है, n कितना है 15 / 2,
टू इंटू ए आपका 8 प्लस एन माइनस 1 15 माइनस ए डी का मान भी 8, ठीक है, गुणा जो 8 ही होगा 15 बटे 2 8 दुनी 16 प्लस 15 में से गए तो 14 14 इंटू 8 14 इंटू कितना होता है 112 तो 15 बटे 2 16 प्लस 14 अंटे 112 112 और 10 122 28 15 बटे 2 इंटू 128 2 चीके 12 2 चौके 8 15 इंटू 64 15 चौक 60 6 से 15 चीके 90 हो जाए 96 तो ये आ गया 15 गुणजो 8 के प्रथम 15 गुणजो का योग आ गया 960, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। बस गुणज 8 गुणज मतलब 8 इंटू 1 8 इंटू 2 8 इंटू 3 तो गुणा करते हैं एक से और जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको बोलते हैं गुणज। तो 8 इंटू 1 कितना होता है 8, 8 इंटू 2 कितना होता है 16, 8 इंटू 3 कितना होता है 24, ठीक है। वही आपने सोल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है 0 और 50 के बीच की भी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग अब हमसे पूछ रहा है। तो 0 के बाद में पहली विषम संख्या कितनी आती है 1, फिर कितनी आती है 3, फिर कितनी आएगी 5, फिर आएगी 7 और लास्ट विषम संख्या कितनी होगी 49, ठीक है। 50 के बीच में 50 विषम आ जाएगी ना, और वैसे भी बीच में पूछ रहा है तो ये टोटल कितनी संख्या है ये पता करेंगे, ठीक है। तो इसमें ए का मान कितना है 1, डी का मान कितना है 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 2 7, 2 9, तो डी का मान भी है ए का मान भी है, एन का मान पता नहीं है लेकिन अंतिम पद अपन को पता है कितना है 49, अंतिम पद 49 रहेगा तो अपन एन का मान निकाल ले, ए एन बराबर आपको दे रखा है 49, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 49, ठीक है। तो ए का मान कितना है 1 प्लस एन माइनस 1, एन का मान अपन को निकालना है, डी का मान कितना है 2 और बराबर 49, ठीक है। तो एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49 माइनस 1 बराबर 48, तो n माइनस 1 का मान कितना हो गया 48 बटे 2 बराबर 24, तो n का मान कितना हो गया 24 प्लस 1 25 पद, टोटल ये ऐसे कितने पद हैं 25 पद है n का मान आ गया। तो इन n पदों का योग कितना हो जाएगा ऐसे n बराबर क्या होता है n बाई 2 a प्लस an, क्योंकि अपने पास अंतिम पद दे रखा है तो यही सूत्र लिख देते हैं, बाकी उससे भी निकाल सकते हो। आपको ये याद नहीं आ रहा है तो 2a plus n minus 1 d भी लगा दोगे तो वही बात पड़ेगी, क्योंकि a plus an भी है, वही है 2a plus n minus 1 d है। तो n by 2, s कितना है 25, तो 25 बटे 2, a कितना है आपका 1 plus an कितना है 49, ठीक है। तो 25 plus सॉरी 25 बटे 2 इंटू 49 रे 50 25, 50 कट गया तो उसे 25 बार 25 25 को गुणा किया तो 625। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 625। आपको ऐसे पूछ ले 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं कितनी होती हैं, तो कितनी होती हैं देखो ये विषम संख्याएं और ये कितनी हैं 25 हैं, तो आप ये भी बता सकते हो। जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर दे सकते हो। यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पंद्रहवां क्वेश्चन है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, कोई कार्य ठेके पे दिया हुआ है अगर उसको टाइम पे पूरा नहीं करता है तो पहले दिन के लिए कितना रुपए लेता है वो 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए, ठीक है। ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा,
अगर प्रत्येक उत्तरोदिन दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले के जुर्माने से 50 रुपए देगा, मतलब 50 रुपए जुर्माना पड़ता जा रहा है। अगर किसी ने ठेका लिया कि मैं 10,000 में ठेका दे रहा हूँ, लेकिन अगर ठेके को मैं बराबर टाइम में काम नहीं कर रहा हूँ तो एक दिन बढ़ेगा तो 10,000 कितना लगेगा, 250। अगले दिन कितना लगेगा, 10,000, 300। फिर उससे नेक्स्ट रहेगा तो ऐसे बढ़ता रहेगा, है ना, 50-50 रुपए। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है? तो ठेकेदार ने विलंब किया कितने दिन, 30 दिन, ठीक है, तो कुल जुर्माना कितना देना पड़ेगा, ठीक है। अगर तो क्या होता है, पहले दिन का 200 रुपए है, दूसरे दिन का 250 है, और तीसरे दिन का कितना है, 300, ऐसे 50-50 रुपए पड़ते रहेंगे। तो ऐसे ऐसे करके चौथे दिन का कितना हो जाएगा, 350। तो ऐसे ऐसे करके कितने दिन तक, 30 दिन क्या देना पड़ेगा, जुर्माना। तो प्रथम पद तो आपका कितना आ गया, 200 रुपए। आपका सार्वंत्र कितना आ गया, सार्वंत्र डी कितना आ गया, 200-250 में कितने का पड़ेगा, 50 रुपए पड़ते जा रहे हैं ना, तो 50 रुपए। एन का मान कितना है, 30। और आपको ये सब 30 दिनों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है, ठीक है। कुल जुर्माना क्या है आपका, इन 30 पदों का योग है। यही बात है ना भाई, 200 दिन, 200 रुपए पहले दिन के लिए, 250 रुपए दूसरे दिन के लिए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए, चौथे दिन के लिए 350 रुपए, पांचवें दिन के लिए 400 रुपए, 50 के मल्टीप्लाई में बढ़ते जा रहा है। तो अपन को 30 दिन में टोटल कितना जुर्माना, जुर्माना वो पैसे ठेके का पैसे तो भूल जाओ, वो तो साइड है, जुर्माना कितना देना पड़ेगा। तो आपका S30 आपको निकालना है। तो अपन जानते हैं SN क्या होता है, N/2 2A + N-1 × D। तो N कितना है आपका, 30/2। N कितना है, 30/2। 2A कितना है आपका, पहले दिन कितना देना पड़ रहा है, 200 प्लस एन माइनस वन, 30-1 इंटू डी कितना है आपका, 50 रुपए, 50 ही ना डी, ये हो गया, ठीक है। 30/2 कितना हो गया आपका, 15 × 200 × 400 प्लस 30 में से एक है तो 29 × 50। यहाँ कर देता हूँ बाकी का, ठीक है। तो 15 × अंदर है 400 प्लस 29 को 50 से किया तो 0 है, सही से 5, 9, 45, 4, 80, 5, 2, 10 और 4, 1450। तो 15 × 1450 और 400, 1850। 1850 को 15 से बना गया 0, 15, 5, 75, 7, 80, 15, 20, 7, 27, 100, 12, 15, 15, 27, 27,750 रुपये उसको देने पड़ेंगे ओनली जुर्माना, जुर्माना 27,750 रुपये। तो आसान क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं 5, और टोटल इसमें कितने क्वेश्चन है प्रश्नावली में, 20। तो बाकी 5 क्वेश्चन कराऊंगा मैं कल, ठीक है। तो अपने क्लासमेट्स को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें बेल आइकन को प्रेस करके। समझ में आ रहा होगा ना सबको अच्छे से। धन्यवाद।